हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सर्वनाम विषय लेके आए हैं कक्षा पहली और दूसरी के छात्रों के लिए। और सर्वनाम क्या होता है ये हम एक वीडियो में डाल चुके हैं, आप इसे जरूर देखिएगा बेटा। आज हम प्रैक्टिस करते हैं और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं कुछ प्रश्नों के माध्यम से। तो हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए सर्वनाम शब्दों में सही का निशान लगाना है, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न में जो शब्द है वो है तुम, खिलौना, कमीज। तो खिलौना क्या बेटा, संज्ञा वस्तु का नाम, कमीज भी संज्ञा वस्तु का नाम। तो यहाँ पे सर्वनाम क्या हुआ, तुम। अब देखिए, मेज वस्तु का नाम संज्ञा, भालू वस्तु का नाम संज्ञा, सॉरी जानवर का नाम संज्ञा, तो हमारा सर्वनाम क्या हुआ, आप। हम आप यूज किसके लिए करते हैं, अपने से बड़े लोगों के लिए करते हैं, इज्जत देने के लिए करते हैं। दूसरा, किताब वस्तु का नाम है संज्ञा, पेंसिल वस्तु का नाम है संज्ञा, और मैं सर्वनाम। हम मैं कब यूज करते हैं, अपने आप के लिए। जब हम एक होंगे और खुद के लिए हम यूज करेंगे तो हम मैं करते हैं, एक वचन है ना, मैं। उसे बोतल, बोतल क्या वस्तु, सर्वनाम। घड़ी ये भी वस्तु, सॉरी बोतल वस्तु संज्ञा, घड़ी ये भी वस्तु है संज्ञा, तो हमारा सर्वनाम क्या हुआ, उसे। उसे हम यूज करते हैं अन्य व्यक्ति के लिए, ना हम होते हैं ना आप होते हो, कोई अन्य होता है उसके लिए हम उसे यूज करते हैं। अब देखिए, फूल वस्तु का नाम संज्ञा, कप जिसमें चाय पीते हैं, आप लोग दूध पीते होंगे, कप वस्तु का नाम संज्ञा, तो फिर हमारा सर्वनाम क्या हुआ बेटा, उन्हें। उन्हें भी क्या है, उन्हें है बहुवचन, और हम अन्य पुरुष के लिए यूज करते हैं। जब खूब सारे लोग होंगे तो हम बोलेंगे उन्हें जाके कह दो, तो ये होगा आपका बहुवचन। अब देखिए, राम भगवान का नाम लोगों का भी होता है, तो ये इंसान का नाम है, तो क्या होगा संज्ञा। आपको संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, इसीलिए इंसान सा होता है, तो ये इंसान का नाम है, भगवान जी का नाम राम संज्ञा। करना, करना तो क्रिया हो गया, काम करना इसमें क्रिया है, काम है, जो काम होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो बेटा इन तीनों शब्दों में से सर्वनाम क्या हुआ, वह। हम वह कब यूज करेंगे, अन्य इंसान के लिए जब वो एक होगा, है ना, जब अन्य इंसान एक होगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों, वह। फिर देखिए, उसे नीता किसी स्त्री का नाम है, लड़की भी हो सकती है स्त्री भी हो सकती है, तो संज्ञा। आगरा जगह का नाम है, आगरा में बहुत सुंदर इमारत है, आप लोगों को पता है ताजमहल, सो आगरा जगह का नाम है बेटा, ये भी संज्ञा, तो हमें सर्वनाम क्या हुआ, उसे। हम उसे कब यूज करेंगे, अन्य इंसान के लिए, जैसे उसे जाके कह दो, अन्य इंसान के लिए उसे। आठवां देखिए, एट वाला, कुत्ता जानवर का नाम संज्ञा, इन्हें और श्याम, कृष्ण भगवान को श्याम कहते हैं, है ना, सो श्याम भी क्या है, नाम है, भगवान का नाम भी है, और आजकल तो इंसानों के भी नाम है, बच्चों के नाम है, सो नाम ये भी संज्ञा, तो हमारा सर्वनाम क्या हुआ, इन्हें। इन्हें इन्हें कैसा सर्वनाम है, एक वचन है या बहुवचन है, बहुवचन, काफी सारी चीजें होंगी, लोग होंगे तो हम कहेंगे इन्हें, इन्हें कह दो चुप हो जाओ, है ना, इन्हें कह दो बैठ जाओ, तो इसका मतलब इन्हें कैसा सर्वनाम तो है लेकिन कैसा है बहुवचन, बहुत सारे लोग होंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, सुन, सुनना क्या होता है, काम होता है क्रिया, सुनना काम होता है क्रिया। यह और सुंदर, सुंदर तो विशेषण होता है, हम किसी चीज की गुण बता रहे होते हैं, विशेषता बता रहे होते हैं, सुंदर, तो सुंदर आपका विशेषण है, सुन आपकी क्रिया है, तो हमारा सर्वनाम क्या हुआ, यह। अब यह के बारे में हमें क्या ध्यान रखना है, यह हम तब यूज करेंगे जब कोई वस्तु या इंसान हमारे समीप है, हमारे समीप है तो यह यूज करेंगे, और हमसे दूर है तो वह यूज करेंगे। जैसे यह कुर्सी कैसी है ना, यहाँ पे यह रखा है, तो यह होगा अगर वस्तु आपके समीप है, पास में, तो आप यह लगाना। अब देखिए, तुम खेलना, खेल में क्या है, काम है क्रिया, ठंडी कोई चीज है वो ठंडी है, तो विश्व
जैसे आइसक्रीम ठंडी होती है, सुविशेषण। तो यहाँ हमारा सर्वनाम क्या हुआ बेटा, तुम दूसरा इंसान होता है, एक होता वक्ता प्रथम पुरुष, एक होता है द्वितीय पुरुष तुम, जिससे आप बातें करते हो उस इंसान के लिए हम तुम यूज करते हैं। अच्छा, तुम एक वचन भी हो सकता है और तुम बहुवचन भी हो सकता है ना। जैसे अध्यापक बच्चों से बोलती तुम चुप हो जाओ, तो उसमें कितने सारे बच्चे होंगे, तो तुम बहुवचन भी हो सकता है। और मैम कह सकती है तुम वहां बैठ जाओ, तो तुम आपका एक वचन भी हो सकता है। तुम एक ऐसा सर्वनाम है जो एक वचन भी है और बहुवचन भी है। ये आपके वाक्य पे निर्भर करता है कि आप इसे कैसे प्रयोग करेंगे। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, हमें मिलान करना है, मिलान करेंगे और साथ साथ पढ़ेंगे। ये आपके सर्वनाम है, वह, आप, मैंने, उसे, तुम्हारी, सारा काम कर लिया, फल बहुत अच्छा लगता है, गाना सुन रहा है, वह बहन पढ़ने में बहुत अच्छी है, क्या लिख रहे हो। अब हमें इसे मैच करना है, कैसे करें बताओ। वह गाना सुन रहा है, क्योंकि बेटा वह है तो इसका मतलब ये पुल्लिंग है, वह है तो पुल्लिंग है, वह गाना सुन रहा है, हमें पुल्लिंग से आइडिया हुआ, क्योंकि ये रहा है तो इसको हम पुल्लिंग लेके चलते हैं। आप क्या लिख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम आप यूज करेंगे तो हम इज्जत देंगे, तो जब हम आप यूज करेंगे तो कभी भी है नहीं होता, हमेशा है करेंगे। सो आप क्या लिख रहे हैं, हम किसी इंसान से जो हमसे उम्र में बड़ा है, जो हमसे ओहदे में बड़ा है, उससे हम कह रहे हैं कि आप क्या लिख रहे हैं। सो हमें कैसे पता चला, इज्जत वाला ये वाक्य है। मैंने सारा काम कर लिया, ठीक है बेटा, मैंने सारा काम कर लिया, उसे फल बहुत अच्छा लगता है, उसे फल बहुत अच्छा लगता है, और तुम्हारी बहन पढ़ने में बहुत अच्छी है, तुम्हारी बहन पढ़ने में बहुत अच्छी है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे शायद ये कर्ता होता है, और ये आपका कर्ता के अलावा जो पार्ट बच जाता है हिंदी में उद्देश्य। सो ये आपका कर्ता है और ये आपका उद्देश्य है, तो इसमें हमने कर्ता को उद्देश्य से मिलान किया। अब देखिए बेटा, दिए गए सर्वनाम शब्दों की मदद से खाली जगह भरिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए भी कहते हैं ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और आप तो बहुत लकी हो, आपको शब्द भी मिल गए यहाँ पे है ना, आप फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट हैं, सेकंड के हो, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन भी मिलेगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, क्या डैश कल आएंगे, डैश काम खुद करो, डैश क्या नाम है, डैश मम्मी पढ़ाती है, ठीक है, डैश साथ बहुत मजा आता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्या वे कल आएंगे, क्योंकि हमने आपको कहा था जो वे है वो है बहुवचन। हमें कैसे पता चला, हमें आएंगे आएंगे सबसे पता चला, क्योंकि आएंगे शब्द जो है ये बहुवचन है। सो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या वे कल आएंगे, इस प्रकार। डैश काम खुद करो, तो अपना काम खुद करो, अपना काम खुद करो। डैश क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। डैश मम्मी पढ़ाती है, किसकी मम्मी पढ़ाती है, उसकी मम्मी पढ़ाती है। वैसे बेटा सबकी मम्मी पढ़ाती है सबकी मम्मी पढ़ाती है ना बच्चों को, पापा लोग कम पढ़ाते हैं। चलिए दूसरा देखो, लास्ट है, डैश साथ बहुत मजा आता है, किसके साथ, उसके साथ बहुत मजा आता है। सो आज हमने बहुत सारे प्रश्न किए जिसमें हमने सर्वनाम को प्रयोग करना सीखा है। तो इस प्रकार आप बेटा काफी सारे सवाल कीजिए, तो आपका जो व्याकरण का ज्ञान है वो दिन पे दिन बढ़ेगा। धन्यवाद।